मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखी। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में 3.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है और प्रदेश के सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार न केवल लोगों का भरपूर सहयोग हासिल करने में सफल हुई है बल्कि वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को जिला हमीरपुर के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से 22 करोड़ 68 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास किए और आधारशिलाएं रखी। जयराम ठाकुर ने टौणी देवी में 2 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित तहसील कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने हमीरपुर में 2 करोड़ 1 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली राजस्व कॉलोनी, 4 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से सुजानपुर तहसील की दोहक, धैल, पंटलाधर और बलेठ उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना की पंपिंग मशीनरी के स्वचालन सहित वितरण प्रणाली और सुधारीकरण, 6 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से गांव बैरी से पलाही चरण 1 के अंतर्गत ब्यास नदी के लेफ्ट बैंक में बाढ़ संरक्षण कार्य और सुजानपुर तहसील में 6 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से गांव बैरी से पलाही चरण 2 के अंतर्गत ब्यास नदी के लेफ्ट बैंक में बाढ़ संरक्षण कार्य की आधारशिलाएं रखी। मुख्यमंत्री ने शिमला से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में तीव्रता से वृद्धि हुई है जिसके कारण ये कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से आयोजित करना पड़ा। उन्होंने कहा कि राजस्व कॉलोनी का निर्माण कार्य अगले 2 वर्षों में पूरा हो जाएगा जिससे जिले के कर्मचारियों को आवासीय भवन उपलब्ध होंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुजानपुर में 12 करोड़ की लागत से मिनी सचिवालय भवन का निर्माण किया जा रहा है। पूंग खड पर 11 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले पुल का निर्माण कार्य जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा। नाबार्ड के अंतर्गत क्षेत्र में 12 सड़कों के निर्माण पर 37 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इस विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 12 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 700 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले धौला सिद्ध विद्युत परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है जिससे हमीरपुर के सुजानपुर और नादौन क्षेत्रों में विकास की गति में तेजी आएगी। पटलांदर में 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से विद्युत उपकेंद्र का निर्माण किया जा रहा है जिससे क्षेत्र में कम वोल्टेज की समस्या का समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में लोगों की सुविधा के लिए महत्वाकांक्षी लगवाल्टी बमसन जलापूर्ति योजना के सुधारीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न सरकारी भवनों के निर्माण पर 23 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में 3.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है और प्रदेश के सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास देखने को मिला है। सरकार न केवल लोगों का भरपूर सहयोग हासिल करने में सफल हुई है बल्कि वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। कोविड-19 महामारी में भी प्रदेश सरकार ने विकास की गति को निर्बाध रूप से जारी रखा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम टौणी देवी का तहसील कार्यालय का विधिवत उद्घाटन करने की इस रस्म को पूरा कर रहे हैं। 2 करोड़ 15 लाख की लागत से बनी ये तहसील भवन जो है, जहां 24 पंचायतों को लाभ दे रही है, लगभग 40,000 की पॉपुलेशन को भी जो है एक अच्छे भवन की एक सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए मैं सभी साथियों को और आपके इस विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सारे विकास कार्य जो है आज के दिन जो है कुल मिला करके उद्घाटन और शिलान्यास के 22 करोड़ 68 लाख के बनते हैं और आपके इस विधानसभा क्षेत्र में इन सारी योजनाओं की शुरुआत की दृष्टि से मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में आप सबके आशीर्वाद से सरकार बन करके हमने 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, 3.25 वर्ष का। उसमें हर जगह हर तरह से जहां हिमाचल वासियों का भी सहयोग मिला, समर्थन मिला हर कदम पर,
उस प्रकार से अपने वरिष्ठ नेतृत्व का भी बहुत बड़ा सहयोग मिला है। हमने हिमाचल प्रदेश में इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि हर वर्ग का ख्याल रखा जाए, हर मदद जितनी भी संभव हो सकती है उस वर्ग तक पहुंचाई जाए जिसके लिए काम करने की आज की तारीख में भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसके लिए भी हमने काम करने की कोशिश की और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में जहां विकास नहीं रुके, विकास को गति मिले, विकास प्रभावित ना हो संकट आने के बावजूद भी, उस दृष्टि से भी हमने प्रथम प्रयास किए हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बजट के अब की बार हिमाचल प्रदेश के बजट को जो हमने प्रस्तुत किया है उसको प्रदेश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने हर वर्ग जनता के साथ हर वर्ग ने उसका जो है वो अभिनंदन भी किया है। वहीं केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये सभी विकासात्मक परियोजनाएं क्षेत्र में विकास को गति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सुजानपुर।